बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हल हमारा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलेक्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स H20 प्रो, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। PSL के मैचेस जारी हैं। अब से कुछ देर पहले मैच खत्म हुआ है क्वेटा और लाहौर का। क्वेटा की सरबराही पहले कर रहे थे सरफराज साहब, सरफराज को हटा दिया गया। क्वेटा ने इस सीजन में अब तक 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीत लिए हैं। लाहौर कलंदर जो पिछले दोनों टाइटल जीतती आई है, उसने इस सीजन में अब तक 2 मैचेस खेले हैं और दोनों हारे हैं। आज का मैच भी क्वेटा 5 विकेटों से जीत गया है। बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। सो 187 रन बनाए थे लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए, जो कि क्वेटा ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। तो ये क्या हो रहा है? लाहौर कलंदर जो कि पिछले 2 टूर्नामेंट्स की सबसे कामयाब टीम है, दोनों टाइटल जीतती आई है, द ओनली टीम इन PSL जिसने 2 कंसेक्यूटिव टाइटल जीते हैं, उसको क्या हो गया? इस पे बात करते हैं और ही बहुत सारी बातें। लेकिन इससे पहले हमारी आज की मेहमान के, जिनको आपने देखा है हमारे प्रोग्राम में भी पहले आई हैं और जबरदस्त एनर्जी डाल देती हैं प्रोग्राम में, और जिस प्रोजेक्ट में काम किया है, जिस प्रोजेक्ट में, उसमें भी उन्होंने हमेशा ऐसे ही एनर्जी डाली है। आप लोगों की भरपूर तालियों में मरियम है हमारे साथ आज। मरियम नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। क्या हाल है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या लग रहा है आपको मरियम ने PSL में? लग रहा था मुझे लगता है लाहौर को नजर लग गई है किसी। हाँ, यही कह सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, क्या कहें। कराची वालों की तो नहीं लगी, क्योंकि कराची की तो जीत नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो जीत नहीं रहे बेचारे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी। लेकिन आपको लगता है कि ये लाहौर कमबैक करेगा या इस दफा जरा मुश्किल है? बच्चे भी रो रहे थे लाहौर से, करना चाहिए थोड़ा सा। तो आप दोनों मैचेस हार गए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईगो पे लेना चाहिए उन्हें। आपकी सपोर्ट किस टीम के लिए? ऑब्वियसली लाहौर, क्योंकि लाहौर से हैं हम, तो क्या करें। तीनों लाइन में बैठे लाहौर से, तीनों लाहौर से हैं ना, टिकट कटा ले हम। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं आप दोनों तीनों को, क्योंकि आप तीनों लाहौर से, लाहौर हार गए आज। अच्छा, वो बता दिया आपने, बिल्कुल। तो ये बासित भाई, जब पहला मैच लाहौर हारा, आपने कहा कि राशिद खान का ना होना बहुत बड़ा ब्लो है, ये इतना बड़ा ब्लो है कि लाहौर का मतलब एक गेम चेंजर हो गया है ये लाहौर के अगेंस्ट राशिद खान का ना होना? राशिद दुनिया की हर लीग के लिए बहुत जबरदस्त बॉलर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो, चाहे श्रीलंका में, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चैंपियन बॉलर। तो ये लाहौर का इतना बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ा नुकसान। और कामरान भाई, क्वेटा में सरफराज की क्यादत के जाने के बाद जो नए कप्तान आए हैं, वो उन्होंने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है? देखिए, डेफिनेटली नए कप्तान ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला ज़रूर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यह है कि प्रॉपर बैटिंग लाइनअप और प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ वो खेल रहे, जो टीमें ऐसे करेंगी वो जीतेंगी, 190 भी चेस करेंगी, 200 रन भी बनाएंगे। लेकिन लाहौर की जो आपने बात की है ना, आप ठीक कह रहे हैं, राशिद कोई भी लीग में हो नंबर 1 बॉलर है, सही है। लेकिन लाहौर दोनों मैच अपनी फील्डिंग की वजह से हारा, आज भी फील्डिंग, अभी भी क्या किया, बॉलिंग ये है, इस बॉलिंग को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कैसे मैच जीतेंगे फिर आप? बुरी तो नहीं है ना, अभी भी शाहीन है, हारिस है, शाहीन है, लेकिन आज शाहीन ने कैप्टनसी की, आप देखें ब्रैथवेट को बॉलिंग ही नहीं करवाई, हारिस को मार पड़ रही है या जमान को मार पड़ रही है, जानदार को मार पड़ रही है, तो उसको ओवर ही नहीं करवाया, एक ओवर नहीं करवाया, ऑलराउंडर है, सही है, दुनिया की हर लीग में बॉलिंग करता है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। तो थोड़ा कैप्टनसी में भी मुझे लग रहा है कि इस बार लाहौर लैग कर रहा है, कैप्टनसी वैसी नजर नहीं आ रही जा राशिद खान का, तो बहुत ज्यादा। तो हमारे लिए और परेशानी की बात नहीं है, इसलिए कि जो लाहौर के कैप्टन है वो पाकिस्तान के भी कैप्टन है। देखिए, एक फर्क पड़ रहा है लाहौर को, आप देखें कि 2 ओवर शाहीन करता था, 2 ओवर जमान कर रहा था, अब इनका पैनिक बटन ऑन हुआ हुआ है, आज हारिस रऊफ से नया बॉल करवा लिया, 5वां ओवर लास्ट 2 सीजन से हारिस रऊफ करता था, 6ठा ओवर करता था राशिद, ये इनको एज मिलता था, ये चीजें चल रही हैं, थोड़े कंफ्यूज हुए हैं, सोचे बेसिक्स पे जाएं, ये टीम ऐसी है, सिकंदर के आने की वजह से कमबैक कर सकती है, कमबैक कर सकती है, कमबैक करना इन्होंने, हैट्रिक करनी है, चैंपियन बनने की, हारने की नहीं। सही है, बासित आप ही से बताएं, चुके हैट्रिक बोलिए तो मैं मुझे लगता है इस बार मुश्किल, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर का नहीं है ये सीजन, अब इस पे बताएं, चुके लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान है, और अभी कितने 4 महीने बाद वर्ल्ड कप लगा हुआ है T20 का, तो ये कोई परेशान कन बात तो नहीं है? अभी हम नहीं, इतना अर्ली ना रिजल्ट्स ड्रॉ करें हम, देखें अभी तो नए चेयरमैन साहब आए, वो उनकी क्या सोच होती है वो तो बाद में पता चलेगा, बट कप्तान तो आपके ख्याल में चेंज नहीं होगा ना, या आपको लगता है हो भी सकता है? यहाँ पे तो वजीर आजम चेंज हो जाता है, खुद भी हो सकता है। आप अभी बात कर रहे थे ना क्वेटा की टीम कॉम्बिनेशन, जो ड्राफ्टिंग में उन्होंने टीम बनाई ना, जैसे अबरार को लिया, सही है, ये बच्चा नाफे, अभी मैं देख रहा था फेसबुक का प्लेयर था ये,
फेसबुक में अपनी वीडियोस लगाता था, उस बेस पे बांग्लादेश लीग में सिलेक्ट हुआ। ओके हाँ, और देखे डोमेस्टिक नहीं खेला, फर्स्ट क्लास नहीं खेला, और आज क्वेटा से खेल रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, 60 रन बनाया जिसने जी खाजाना। तो ये जो ड्राफ्टिंग में जो प्लेयर्स पिक करे ना टीमों ने, वो बहुत अच्छे करे। अनफॉर्चुनेट किस टीम ने सबसे अच्छे पिक किए? आई गो विद क्वेटा। और किस टीम ने आई एम सॉरी लेकिन सबसे बुरे पिक किए? बुरे नहीं मतलब, चलो बुरे कोई और लफ्ज कर लें, कॉम्बिनेशन के हिसाब से। आइडियल पिक नहीं की किसने? मेरे ख्याल कराची ने, कराची की पिक इतनी अच्छी नहीं थी। की मैनेजमेंट से मैं चाहूंगा कि वो इसका जरूर नोटिस ले, देखें जरा इसको, वो देख चुके होंगे, हाफ चेक कार्ड क्योंकि देखें भाई मैंने से सवाल पूछा है, मेरी मैंने आप सही हो, इसमें मैं तो ओके, उन्हें क्लियर अच्छा काम का तो डबल होगा। इसमें एक चीज ये है वसीम भाई कि जो लोकल प्लेयर्स है ना उन्हें लोकल लड़के ज्यादा जानते हैं। अब वो सिमंस हो गया या वो अपने हैदर साहब जो हैं, वो माफी के साथ हमसे ज्यादा नहीं जानते होंगे। ठीक है, सो अब आगे चलें, हमें जरा तारुफ भी करा दो जरा हमारे साथ। भाई तारुफ शारुफ आप छोड़े, इतने आप सवाल सवाल कर रहे हैं हर वक्त, आप एयरवाई न्यूज पे कभी कोई कैंपेन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई शो कर, मुझे एक बात बताएं क्योंकि मुझे तो नहीं इतना पता, ये इलेक्शन हुए थे अभी? जी जी हो गए ना, अब क्या करें, रोजाना मतलब इलेक्शन कहे तो हम यही रहे हो गए थे, लेकिन हुए कि नहीं ये तो नहीं पता लेकिन ये जो भी जिसको कह रहे हैं इलेक्शन हुए थे तो उसके लिए सारे जितने भी पॉलिटिशियन है वो निकले, उन्होंने करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च किया, लगा दिया ठीक है, खर्च करने से पहले हमसे लिया भी, लेकिन चलो खैर है, कर तो दिया खर्च, तो क्या करूं मैं, उन्होंने खर्च किया कैंपेन की, कैंपेन के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद एक दूसरे से लड़े, बोला ये पागल है, वो कह रहा है ये पागल है, वो कह रहा है वो पागल है, तो सवाल क्या है क्या करूं? सवाल ये है कि ये सारी लड़ाई हुई थी कुर्सी के पीछे, वजीर आजम बनना था ना, तो अब जब इलेक्शन हो गए तो आपको कुर्सी क्यों नहीं ले रहा, अब क्यों नहीं बन रहा वजीर आजम, अब क्यों नहीं, अब जब कह रहे हैं कि बैठ जाओ कुर्सी पे तो सब ऐसे साइडें क्यों मार रहे हैं? बात सही है वैसे, मासूमाना सवाल है, मुझे जवाब चाहिए वसीम भाई, मैं अभी पूछ के बता दो मेरे बारे में। आप कैसे पूछ, आपने 6 घंटे की ट्रांसमिशन की है, यहाँ से करार पे खड़े हो रहे हैं, यहाँ से ये खड़े हो रहे हैं, कभी वो आगे हो रहे हैं, कभी ये पीछे, जब टीवी लगाओ बस यही नजर आते हैं, जब लगाओ टीवी, मुझे मैं आवाम की तरफ से आया हूँ, मुझे जवाब चाहिए, आवाम को जवाब चाहिए वसीम मदामी, वजीर आजम की कुर्सी कोई क्यों नहीं ले रहा? मैं आपको आप इजाजत दे, मैं वसीम भाई आपको इजाजत नहीं है, आप बोलो, हाँ आप बोलो, आप जवाब दोगे बेटा, जब कोई इस तरह पूछता है कि अगर इजाजत हो तो मुरव्वतन पूछ रहा था, आपको कह रहा था जी इजाजत है, कराची में नहीं हो रहा, ये कराची में नहीं हो रहा। आदि भाई वो बहुत होशियार आदमी जो कुर्सी नहीं ले रहा, समझदार आदमी है, लेकिन मैं इनके मुंह से, जिसने कुर्सी ली वो फंसेगा, आपको पता है वसीम भाई इस चीज का आपको नहीं पता था? हाँ ना, ये वासिम भाई नहीं, लेकिन नहीं वसीम भाई को पता है, ये बोलते नहीं है भाई, मैं आपको खबर देता हूँ, अगले कुछ घंटों में इस बारे में ऐलान हो जाएगा, आपके सामने नाम आ जाएगा, कुछ घंटों में नाम आ जाएगा, घंटों में हो सकता है, अगर ना नाम आया, और यार वैसे भी भाई मैं आया हूँ, उसमें PSL का शो कर रहा हूँ, क्रिकेट का मेरा क्या ताल्लुक है सब बातों से? ताल्लुक ने 23,000 रुपया लिया पूरी ट्रांसमिशन का, ताल्लुक नहीं है मेरा कोई, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी यही बैठे हुए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसा, इतना डिले हो गया, और आज इसी वजह से बहरिया टाउन के जू के मालिक भी मैंने बुलाए हुए खवातीन हज़रात, वजीर आजम की बात हो रही है, बहुत मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के अगले वजीर आजम छोटे मियां साहब यानी शहबाज साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया शुक्रिया वसीम, वसीम आई लव यू टू, आई लव यू टू, मैं करोड़ों लोगों से खिताब कर रहा हूँ इस वक्त, मैं नौजवानों आप लोगों को मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगा, मैं पैसे आपके मुंह पे मारूंगा, मैं आपके 23,000 से 25,000 कर दूंगा, इंक्रीमेंट 2,000, बस भाई मैं आपको भी नमाज दूंगा, आप सबको सर, खुशी से मैं भूले नहीं सर, नहीं मानता अच्छा सर बैठे, मेरी बात जी वसीम, थोड़ा सा इस लैपटॉप भी मिलेंगे सर, लाहौर फिर हार गया है, लाहौर हार गया, ये बेमानती है, ये हमारे साथ धांधला हुआ है, लाहौर हमारा किला है, लाहौर मियां साहब का किला है, लाहौर हम सबका किला है, नहीं 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 वसीम, आप लोग तो मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, अच्छा लाहौर कलंदर्स की बात कर रहा हूँ, फिर हार गया, उनको तो 100 दफा हारने दो यार, हम तो जीत गए, टेंशन नहीं आ, उनकी टेंशन नहीं है, सही, उन्होंने टीम पिक एंड चूज ठीक नहीं किया, बस मैंने कहा
अच्छा वैसे आप बता दें आपकी तो लॉटरी लग गई, मियां साहब के साथ क्या हुआ? वो इश्तेहारात छप गए थे अखबार में कि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म आप बन रही, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया, मियां साहब के साथ प्रैंक हो गया है। मियां साहब के साथ प्रैंक हो गया। आपने किया प्रैंक? मियां साहब के साथ ये हुआ है कि सामने कैमरा लगा है, शेरवानी पहन के हाथ हिला दो, मियां साहब के साथ ये हो गया है। अब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? कोशिश यही है कि अल्लाह करम करेगा, लेकिन बड़े भाई से परेशान हूँ, रोजाना सुबह शेरवानी पहन के इस वक्त शीशे के सामने खड़ा है वो मासूम शख्स जो बस पे आपके लिए आया था, वो तकरीरें किए जा रहा है, किए जा रहा है वो। सर वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीरें करते हैं। शुक्रिया। कोई ढंग का काम नहीं करते? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम अपनी अपनी नई जो हमारी हुकूमत बनेगी उसमें शामिल करेंगे। अच्छा सर मुझे ये बता दें, तो बिलावल साहब से आप उनके साथ आप हुकूमत में थे, इतनी बन रही थी काबीना वो असेंबली में खड़े रहे कि आप उनकी तारीफें कर रहे हैं, वो तारीफें कर रहे हैं, आजकल नहीं बिलावल साहब से ज्यादा? कौन बिलावल सर? आप किस बिलावल की बात कर रहे हो? मैं किसी बिलावल को नहीं मानता। मानी तो ना क्या? नहीं मानता मैं किसी बिलावल को नहीं मानता। नौजवानों का लीडर आपके सामने खड़ा है, मेरे नौजवानों मेरा साथ दोगे? आई लव यू टू। सर वो आई लव यू नहीं कह रहे आप। अच्छा मुझे आखिरी बात बता दें, पूछे थोड़ा हमें खबर दे दें ताकि आदि भाई को बता रहे। ठीक है, आपकी काबीना किस तरह की होगी थोड़ा सा बता दें। काबीना मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। अरे वाह, के वज़ीरे इत्तला'आत व नशरियात, वज़ीरे इत्तला'आत व नशरियात जनाब वसीम बदामी होंगे। यस मुबारक हो वसीम भाई, आप सबका वज़ीरे दाखला। आप अनाउंसमेंट करनी दोनों हाथों से करें, ठीक है? क्या दांत में दर्द? ठीक है मेरी जान, ठीक है। और हमारा वज़ीरे दाखला राणा बासित अली, राणा बासित अली, वाह वाह भाई मुबारक हो बासित भाई। और हमें भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। दो उम्मीदवार बैठे हैं, थोड़ा सा बाकी दो को। मरियम भी बैठी है सर। मरियम भी आप तो वज़ीर-ए-आला पंजाब है। नहीं नहीं वही मरियम भी है। वो तो मरियम नवाज साहब है ना। अच्छा ये मरियम नूर, मेरे पास भी पहले नाम आया तो मरियम नूर, मुझे लगा कि मरियम नवाज साहब। प्रैंक हो गया आपके साथ भी बड़े मियां साहब की तरह। तो मरियम नूर साहिबा को आप क्या गुजारा? मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको किसी तरह के फिट कर दूं मैं पंजाब की गवर्नमेंट में। अच्छा, लेकिन मेरा भाई जो इस सामने बैठा है, दुनिया में कायनात में इतने कोई ड्रामे नहीं देख रहा जितना ये शख्स देखता है। पैमरा का कुछ बनाएंगे, मैं इनको पैमरा का चेयरमैन बनाता हूँ। अरे वाह वाह, और तुम परेशान नहीं हो, आपके लिए मैं और कुछ नहीं तो आईटी मिनिस्टर बनाऊंगा आपको। यार सर इनको आईटी का कुछ नहीं पता, इनको आईटी का कुछ नहीं पता। हमें भी वज़ीरे आज़मत का कुछ नहीं पता। सब चल रहा है। वसीम भाई मियां साहब को मैं एक बात बता दूं। जी जी। मियां साहब लाहौर में आपका नाम पीछे हो गया, जब से मोहसिन नकवी साहब सीएम बने थे ना, उन्होंने आपसे अच्छे काम करे। बस भाई मुझे असल में टाइम कम मिला है, मुझे टाइम कम मिला है मेरी जान बासित, नहीं मुझे एक दफा टाइम मिलने दे। वसीम भाई आपका क्या मतलब आजकल वो पीसीबी के चेयरमैन है, क्या मतलब? मैं खाली बता रहा हूँ कि मुझे याद है आपने बात कहाँ लेके गए, पीसीबी चेयरमैन नहीं, आप बात कहाँ लेके गए? जो आप समझ रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने नहीं कहा। आप मुझे ऐसा समझते हैं, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ वर्ल्ड कप में। तो मैंने कब I'm not interested. मैंने ये नहीं कहा कि आप उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो चेयरमैन पीसी बने। मैंने काम देखा, वो चेयरमैन पीसी भी है। क्या आप क्या है? बस भाई बस भाई बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ से सीधा एक पुल बनाऊंगा जो लाहौर में बस रुपए की छत पे लैंड करेगा। नहीं वहाँ पे पुल नहीं बन सकता जहाँ मैं रहता हूँ। अच्छा। लेकिन ये मरियम आप बताएं, वैसे इन इमेजिनरी वर्ल्ड अगर आपको कभी शहबाज शरीफ साहब या नवाज साहब की गवर्नमेंट में कोई ओहदा ऑफर हो तो आप विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट या आप मना कर देंगे? नहीं मैं गवर्नमेंट में नहीं आना चाहता। इनकी गवर्नमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट में? अभी जो पूछा उसका जवाब मैंने दे दिया ना, अब एक बात का एक टाइम पे। अच्छा अगला सवाल ले लेता हूं, पीटीआई की गवर्नमेंट उसमें कोई ओहदा मिले तो वो ले लेंगे आप? अब सब दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई ओहदे तो ले लेंगे ना, सबको तो मना नहीं ना करना, वो ले लेंगे यार। खैर ये है सियासतदान, वैसे मैं क्या सवाल पूछा था मुझसे पूछे ना, मुझे भी जानना है। अच्छा अगर आपको मियां साहब की गवर्नमेंट में कोई ओहदा मिले तो आप ओहदा ले लेंगे? नहीं मैं ओहदा नहीं ले लूंगा, मैं चौजा ले लूंगा, कोई चौजा। मैं इसलिए सवाल नहीं करता, गवर्नमेंट में जाने से अच्छा बंदा किसी को बोले यार पान की पीक मुंह पे मार दो। यार क्या दादा बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्या अजीब सी बात कर रहे हैं भाई। वाह अच्छा सर बात भी वो बोलते हैं जो समझ में नहीं आती। हाँ आपको नहीं आएगी, लाहौर से हो ना, आज हार गया। हमें बोलना है लाहौर से। वाह जी वाह। बासित वैसे आपकी फेवरेट टीम कौन सी, क्योंकि आप यूं पैदा कराची में हुए, रह रहे लाहौर हैं। मैंने मुल्तान बोला था, लेकिन आई विल गो विद नाउ
कोयटा यूटर्न क्यों ले लिया आपने? असल में टीम बहुत बड़ी है भाई, टीम बड़ी है। आपने अभी परसों ही बोला था ना मुल्तान तो? हाँ, मैंने तो दो दिन में क्या हो गया? मुझे पता नहीं था एहसानुल्लाह अनफिट है, मुझे कामी ने बाद में बताया, वो तो अनफिट है। आप पहले बताया करो ना इनको बातें यार, आप बाद में बता रहे। चले अब आपकी है चॉइस कौन सी? कोयटा। कोयटा चले देखते हैं क्या सर। अगर इजाजत है तो मरियम बीबी हमारे साथ है, उनसे कोई मासूमाना सवाल कुछ? मरियम बीबी से सवाल करो, वो तो सीएम बन रहा है। आप नाराज ना हो, अच्छा वो कोई बात नहीं है, सीएम बन रही है तो। हाँ वो मरियम नवाज, वैसे कैसी सीएम होंगी वो आपके ख्याल में? आपकी हम नाम लिया, मेरे ख्याल का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें काम करना चाहिए और वो करेंगी भाई, आई गेस करना चाहिए। टू गुड, अगर उनको एक चांस मिल रहा है तो मुझे लगता है कि उनको अब डिलीवर करना चाहिए, ताकि जितने उनके खिलाफ बातें हैं वो क्लियर हो सके, जरा कवर हो जाए। आपके ख्याल में वो कैसा काम करेंगी कामरान भाई? आने तो दे, फिर भी तस्दीक आने के बाद तो सब देख लेंगे ना, जब आएंगे सीट पे काम करेंगे तो पता चलेगा। पहले कौन प्रेडिक्शन करता है? एक्सपेक्टेशंस हैं आपको कैसा काम करेंगे? मुझे उनकी पूरी जमात पे है भरोसा है। हम बढ़ते हैं मासूमाना खेल के जाने में, बढ़ते हैं पहली गेम की तरफ। चले भाई, भाई आप चारों भी गौर से सुने, अभी वहां नहीं देखो, वाला राउंड शुरू नहीं हुआ। अच्छा, किधर हो आप यार, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। हाँ सो आप चारों ने गौर से सुना है, चूंकि रैपिड फायर राउंड इन्होंने कैसा खेला, इसमें आप लोग मार्क्स देंगे। सही है, पांच में से मार्क्स देंगे, फिर हम उस पर क्या, पांच में से दस में से वो कम कर दिया हमने, पांच कर दिया कल जो हमने किया ना, चूंकि दस में से तो आप पांच पांच सौ नंबर दे रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा कम कर रहे हैं, नंबर दिए जा रहे हैं आप, दिए जा रहे हैं तो खैर इसलिए। सो भाई मरियम खाली जगह पुर करे, फिल द ब्लैंक्स। ठीक है भाई चले, सो स्टार्ट करते हैं। मेरी इंडस्ट्री में यानी कि शोबिज इंडस्ट्री में आने की सबसे बड़ी वजह डैश थी, फेम। फेम, अच्छा ऑलराइट ओके। आप वकील बनना चाहती थी मैंने पढ़ा, वकील ना बनने की सबसे बड़ी वजह? मैं वकील हूँ। नहीं नहीं, आई मीन प्रैक्टिस नहीं करने की, आई मीन या आई नो आप पढ़े, ना बनने की सबसे बड़ी वजह ये, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग आई एम एंजॉयिंग दिस, काम करने का मजा आ रहा है, तो अब छोड़ के दूसरी फील्ड में वकालत ना करने वो मजा नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। आपने वैसे कभी प्रैक्टिस किया या? बहुत कम किया है, ना होने के बराबर, ना होने के। कभी आदि भाई किसी मसले में फंसे था? हाँ, मदद कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरे मसले जरा खराब से होते हैं, तो वकील के पास खराब मसले लेकर आते हैं। वसीम भाई मजीद फंसाएंगे? नहीं ऐसी इतनी भी बात नहीं है, नहीं 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 नहीं, बचा लूंगी मैं आपको, मैं आपने मुझसे कांटेक्ट करना, बस मैं जल्दी फंसने वाला हूँ जगह। ठीक है, तो आप इनको वकील बना। आगे बढ़ते हैं, अदाकारी और वकालत में ज्यादा पैसे डैश में है? वकालत में। ऑलराइट, फिर भी आप उसमें नहीं जा रहे बिकॉज आपके ख्याल में आप एक जगह से स्टार्ट कर लिया, इट्स इजी नाउ। या ठीक है, अच्छा फिल्मों और ड्रामों में ज्यादा पैसे डैश में? ड्रामों में। ऑलराइट, और ड्रामों और कमर्शियल्स में ज्यादा पैसे डैश में? अच्छा दोनों पे डिपेंड करता है, जनरली कमर्शियल में ज्यादा पैसे। ओके, हमारी इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा इन्वर्टेड कॉमास में डैश है? There's so many dramas. बहुत सारे नाम आए जहन में, कोई देख लेते हैं। आपको हेल्प कर दो यार। नहीं अच्छा, मुझे पर्सनली आई लाइक अलिफ एक बना था, सो मुझे अच्छा लगा, सो आई डोंट नो। अच्छा वो ठीक है, सही। या इंडस्ट्री के ज्यादातर मर्द हजरात डैश हैं? गोरे। गोरे, हाँ गोरे रंग। तो और क्या कहूँ मैं, अब मैंने बहुत अच्छे हैं, गोरे हैं ज्यादा लड़के। अच्छा गोरे, गोरे गोरे हैं, हाँ ठीक है ओके। मरियम नूर की, मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये राय है कि वो डैश हैं, मुझसे बड़ी हैं। सही है ना? मेरा पसंदीदा सियासतदान डैश है? इमरान खान। ओके, मेरा पसंदीदा शेर डैश है? इसमें आपने अपना फेवरेट शेर सुनाना है, लेकिन आप याद रहे सामने पाकिस्तान के दो बड़े शोरा मौजूद हैं, वो भी एक एक शेर सुनाएंगे, ऑडियंस फैसला करेगी किसका शेर सबसे अच्छा है। हाँ भाई, कोई आपने रिक्शे के पीछे देखा हो भाई? वो वाला सुनाऊं के वो वाला? अच्छा छोड़ें, ये वाला सुनाते हैं। अच्छा चलो ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है भाई। इरशाद तो करो ना, माहौल इरशाद शायरे का माहौल। हाँ इरशाद, सलमान इरशाद। आओ चले मौसम का मजा चखे, आओ चले मौसम का मजा चखे, तुम्हारा मदवियात बच्चों से की पहुंच से दूर रखे। एक और सुना देते हैं। अच्छा हम आपके अशार पे नहीं वावा करते? नहीं, मैं दूर बैठा हूँ, आवाज नहीं आई मुझे, ये इसको रिपीट कर दे। रिपीट कर दे, अगला सुन ले आप। अच्छा अगला, यार आधी सारा मजा आपके शेर का खराब कर। चले दोबारा से सुना। आओ चले मौसम का मजा चखे, वाह वाह वाह। आओ चले मौसम का मजा चखे, वाह वाह वाह। तमाम अदवियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अरे वाह, ही इज नॉट योर फ्रेंड।
मुझे आखिरी का आवाज नहीं आ रही। तमाम अदवियात बच्चों की पहुंच से दूर, शुरू से सुना है ना यार। आप अगला शेर सुना दे, अगला सुना, अगला अगला वाला। तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें, वाह वाह वाह, तुमसे मिलने की अब क्या जुस्तजू करें, जुस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। यार मुझे यही आता है। अच्छा मुझे लग रहा है माइक में कोई प्रॉब्लम है, मुझे आखिरी का आवाज ही नहीं आ रहा। मेरे गले में प्रॉब्लम में खराब हुआ है। एक बार और सुना दो। एक महीने से रोज डॉक्टर पे जा रही हूँ, इसलिए सब डॉक्टरों वाले शेर याद हो गए। ऑडियंस ने सुन लिया, ऑडियंस। हाँ सर, आपको शेर अगर अर्ज किया है। हाँ ये वसीम सर मेरी जिंदगी भी है, इस शेर को मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। अच्छा मैं शेर शुरू हो गया। मेरे सारे गम भुला दो, वाह वाह वाह, मेरे सारे गम भुला दो। वसीम जुमला उठाइएगा, मेरे सारे गम भुला दो, मेरे सारे गम भुला दो। सही है डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला। क्या वजूद है, क्या वाह 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 यार, बिल्कुल इस तरह का शेर, रियलिस्टिक रियलिस्टिक। आप सुनाए तेरे भाई का गाना आने वाला, अभी आवाम फैसला करेगी किसने अच्छा शेर। तेरे भाई का 4 घंटे बाद गाना आने वाला है। आवाज आई जी जी इस का भाई अर्ज किया है। अच्छा ये थोड़ा सा मेरे दिल के करीब है। लेकिन अर्ज किया किसने? नहीं नहीं ये मैंने ही किया है। अच्छा, अच्छा आपने किया? मैं थोड़े दिन पहले किसी चीज से गुजरा हूँ, तो उस कैफियत में मैंने ये लिखा था कि देखिए ये मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा, एक बंदा हर वक्त मजाक कर रहा है, मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त जो है वो हंसता रहता है। इसके भी कुछ जज्बात हो सकते हैं, इसकी जिंदगी के भी कुछ संजीदा मोड़ हो सकते हैं। और आज मेरे ख्याल में आदि भाई ऐसे किसी संजीदा मोड़ की जाने अशआर के जरिए इजहार कर रहे हैं। अम्मा जी खोल के ले गए। मैं 3 साल का था, मेरे अबू की सैलरी सुनाने। अच्छा सॉरी शेर, क्या हो गया? सॉरी सॉरी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहीं और हो गया। क्या अर्ज किया है कि मेरे सारे गम बुला दो। वाह, मेरे इसके सारे गम बुला दो मेरे। अच्छा कोई नहीं, लेकिन उन्होंने भी यही अर्ज किया था अभी। प्लीज पास हिम टू। अच्छा मैंने शुरू से पहले कहा था ना कि रोना नहीं है। मैं हिम्मत करता हूं, मेरे सारे गम भुला दो, भुला दो, समझ मेरे सारे गम भुला दो। अच्छा भुला दो, भुला दो मेरे सारे, भुला दिए मेरे सारे गम भुला दो। हाँ। ये जिसका भी बच्चा है प्लीज आके इसको धुला दो। इस शेर को मुकाबले से आउट कर देते, बच्चा रो रहा है कब से। अच्छा हालांकि आप सुला दो भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि आप आदी हैं। मुझे खुशी हो रही है, मुझे लगा था सबसे बुरा मेरा होगा। नहीं नहीं नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कोई और भी था। हमने इत्तेजाज मुकाबले से आउट कर दिया, आखिरी तो आवाज ही नहीं है अब। और हाँ काश हमें इसकी आवाज ना आती। अब आपने दो लोगों के दरमियान फैसला करना है किसका शेर सबसे अच्छा था। जिनके ख्याल में इनका अच्छा था वो तालियां बजा के बताए, और जिनके ख्याल में इनका शेर अच्छा था वो तालियां। एक और शेर अर्ज किया है, नहीं आवाज नहीं आ रही। आप मुकाबले से आउट हैं। हम बहनों को यार कौन प्यार करेगा, हम बहन। अच्छा इतना मजा रहे तुम्हें दोबारा से, ये दोबारा से। हम 3 बहनों को कौन प्यार करेगा, करेगा आपको क्या हो रहा है भाई? यार जल्दी करें यार, क्या हम 3 बहनों को कौन प्यार करेगा, बताओ भाई हम 3 बहनों को कौन प्यार क्या हो रहा है यार। वसीम भाई बस शेर शायरी चल पड़ी है। जाने से पहले वो यार इनके रैपिड फायर, मेरी गाड़ी पंचर हो गई भाई, बस मैं क्या करूं। मैं ब्रेक, मुझे ब्रेक लेने दे। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं क्या करूं भाईजान, जल्दी पहुंचना था कहीं। यार क्या हो रहा है यार, गम है, आवाज ही नहीं आ रही। क्या हो गया इनका, माइक बंद कर। यार इन्होंने रैपिड फायर किया है, उसमें से 5 में से नंबर दे पहले आप बताएं। 4 4। हाँ भाई पौने पांच ही दे दे। काटने बनते नंबर, उन्होंने नंबर पूछा, टाइम पूछा, जो थोड़े से रखे वो भी दे दे भाई। 4.5। हाँ भाई मेरे हिसाब से 8 भाई, टोटल 5 है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 4 4 4 सर, क्योंकि हमारी मुखालिफ पार्टी की है तो मैं को सर ये नहीं करे। नहीं इसको मेरिट में बनता है। चलो ना आपका ना हमारा, 3 पे फाइनल। नहीं मैं थोड़े पैसे बढ़ाए, हो सकता है कोई मियां साहब के हम नाम है। हाँ ना हम नाम है। हाँ तो फिर फिर मजीद कम करो पैसे। मैंने इससे पहले ही आदि भाई एक और शेर सुना है, हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जनाब अली आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश हमारे साथ हमारे मौजूद है। आपने देख लिया ना, बासित भाई ने ब्रेक में मुझे कुछ कामरान अकमल साहब से मुतालिक बातें बताई हैं। वक्त आने पर आपको मजीद इस हवाले से अपडेट भी करेंगे, अपडेट मिलती रहेगी। बताते रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। और हम बढ़ते हैं इसके साथ ही मासूमाना खेल की दूसरी गेंद की तरफ। कल उसने दूसरी गेंद भाई क्या हो गया? अच्छा, अभी दूसरी की शायरी खत्म। अच्छा खत्म, आपकी तो वैसे ही खत्म थी शायरी, लेकिन अब वो सेगमेंट भी खत्म। ओके ओके, उन्होंने खत्म कर दिया, आज के बाद वो करेंगे नहीं शायरी। इतनी मेहरबानी करें, आप ये एहसान करें, कल से फिर सिंगा सॉन्ग कर लेंगे। नहीं वो आप और बुरा करेंगे, ऐसे आप मेहरबानी करें। सो मरियम, ये आपके कान में आवाज आएगी एक कलाम की, सो उसके उसमें से एक सवाल है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि उसका जवाब होगा वो ये दोनों जवाब देंगे, एक आदि भाई भी और मियां साहब। okay, okay. उनमें से एक का जवाब सही होगा, सो यू जस्ट हैव टू चूज द राइट आंसर। और आप मदद भी ले सकते हैं इसे अभी से गूगल पे आंसर, एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स okay. बासित भाई और कामरान भाई से जरा सुनाए, पहले आवाज सुनाए भाई, क्या है कलाम सुनाए। आदि भाई सबसे पहले तो आप रिपीट कर दें जिन्होंने कहा था ये। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये मेरी आवाज में ही गाया हुआ है। क्या जी? आप जो कह रहे थे मैं कभी कभी सिंगिंग, जी जी हो नहीं सकता ये, रियली जी हाँ। मुझे आप कह रहे थे पिछले दिनों जब मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा मैं रिकॉर्डिंग में, आपको क्या लगा? अगर आप लोग कहें तो यार इसको लाइव अगर आवे खवातीन हजरात लाइव, उम्मीद है, वाह वाह वाह, उम्मीद है शहर की बात सुनो। अच्छा। पीछे स्टूडियो से म्यूजिक प्ले कीजिएगा ताकि म्यूजिक के साथ करूं मैं। अच्छा, पानी तेरी मेरी माइक ही नहीं है मेरे पास, माइक तो देना यार, आवाज मेरी कैसे आई? अब मुझे देखना ये कि क्या शायरी से भी ज्यादा बुरा गाते हैं या क्या है सर? सर यही वाला सुनाएंगे ना? जी जी, सी मेजर सुर बता रहे हैं आप? जी जी, यानी ये टैलेंट आपने पहले नहीं मुझे क्यों बताया? वो एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं था ना। अच्छा, अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं अवेल करना चाहूंगा। जिगर दरीदा आवाज निकल रही है, आवाज नीचे से निकल रही है। जिगर दरीदा दोस्त फरीदा दोस्त फरीदा याद आ गया मुझे ये माइक ना आपको कौन सा क्या कर रहे हैं? फरीदा मेरी फरीदा फरीदा, आप क्यों बता रहे हैं हमें, हम क्या करें इसका? वसीम भाई उसी ने सिखाया था मुझे। वसीम भाई ये माइक छीनना नहीं चाहिए था, सर पे मारना। असल में यही बनता था। सब लोग जल रहे हैं ना, अब आप लोग जल रहे हैं, मेरे में एक एक्स्ट्रा टैलेंट निकला है, आप लोग की मुझसे तपने लग गई, अब बुरा लग रहा हूँ मैं है, अब मैं बुरा लग रहा हूँ। आप अच्छे कब थे बासित भाई को कभी अच्छे नहीं लगे। सवाल पूछूं मैं? सॉरी, तो सवाल ये है, ये जो अभी आपने कलाम सुना उसमें एक लफ्ज आया अलम रसीदा। जी जी जी, तो उसका मतलब मरियम ये दोनों बताएंगे, फिर आपने बताना है कौन सही बता रहा है। ठीक है ना, कि अलम रसीदा एक वर्ड आया इसमें, इस लफ्ज का आपने मानी बताना है, अलम रसीदा। जी आदि भाई ये शायरी किसकी है? सर ये आप बताएं, आप बताएं। ये सर फैज साहब की शायरी, अभी तक चल रहा है वो फैज? तो क्योंकि मैं उर्दू लुगत में भी मेरा बहुत नाम है। क्या बात कर रहे हैं? जी जी हाँ, मेरा बहुत माना जाता हूँ। फिरोजुल लुगत पढ़ी आपने? फिरोजुल लुगत यूट्यूबियन यार कोनो ये सारा पापी, तो वहाँ भी अलम रसीदा का मतलब होता है, अगर आप मुझसे पूछे तो खुशी का मारा। अच्छा, खुशी का मारा इंसान नहीं होता जैसे। अच्छा, खुशी का मारा ये अलम रसीदा होता है। ये अलम रसीदा, तो ये आपने कागज से देखिए नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, कागज पे तो सब गलत दिखा। अच्छा ठीक है, अलम रसीदा यानी जो खुशी से भरपूर। ओके ठीक सर, आप इस शायर में जी जी फैज साहब ने रिटायरमेंट से पहले जो, सर ये फैज अहमद फैज साहब है, क्या उन्होंने ये ना कि हमारी 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 पार्टी हमारी पार्टी के ऊपर ये शेर है। अच्छा, जैसे हम लोग हैं, हमारे ऊपर जो सलूक हुआ उसको लिख दिया है, इसका मतलब है गम का मारा, गम का मारा। अच्छा, का मारा। सो ये कह रहे हैं खुशी का मारा, पर आप कह रहे हैं गम का मारा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। आपके साथ जो सलूक है वो तो सिर्फ मारा है, गम कहां से आ गया? चलो गम और खुशी
बात ठीक है। इसके आगे क्या था थोड़ा सा, मैं दोबारा सुना था। नहीं नहीं आप वैसे मैं आपको सुना देता हूं। प्लीज नहीं आप कहने दे भाई। तो ये कहते हैं जिगर दरीदा हूँ चाके जिगर। मुझे लगता है ये ठीक है क्योंकि जो पूरी वो ये कलाम है वो अपनी सैडनेस बता रहे हैं, तो एकदम से खुशी का मारा कैसे आ सकता है। अगर आप मुझे ऐसा लगता है बाकी अगर आप वो जुमला भी सुन ले तो फिर शायद इनको क्लियर हो जाए। आप चले सुना दे कहना सुना एक दफा सुना चला दे भाई एक दफा। तो फिर उसमें अचानक अलम रसीदा का मतलब खुशी का मारा हुआ कैसे आएगा, क्योंकि ओवरऑल माहौल सैड है। इसमें इसका अगर कोई जवाब है जिगर दरीदा हूँ तो मतलब सैड हूँ। हाँ सैड हूँ लेकिन खुशी का मारा था। अगर आप वो सुने नहीं वो कह रहे अलम रसीदा हूँ था तो नहीं कह रहा। हाँ अलम रसीदा हूँ खुशी का मारा हूँ तो जिगर रसीदा भी हूँ। हाँ यही तो। अच्छा वो नहीं कहते एक पल जीता हूँ एक पल मरता हूँ। अच्छा तो ये वो वाली बात है। और सर आपका क्या कहना फाइनल बता दें फिर मैं जवाब मांगने से। गम का मैं जो कह रहा हूँ मेरी जिंदगी अगर आप, सर आप अपने दुखड़े ना रोएं मुझे शेयर तो का मतलब। मेरी जिंदगी वजीर आजम बन रहे हैं अभी भी कुछ नहीं हो रहा आप। अच्छा ज्यादा गम शुरू हो गया पक्का गेम ऑन है भाई साहब के साथ भी गेम हुआ है पक्की बात सर गल हो गई है। अच्छा बस फिर ठीक है आप बन रहे हैं बस फिर ठीक है। आप लोगों के ख्याल में सही ये ऑप्शन चूज कर रही है या नहीं। बिल्कुल मियां साहब के साथ जाना चाहिए आपका भी जाहिर है। आप तो जाएंगे आई विल गो विद आदि। यू विल गो विद आदि आर यू रेडी टू टेक हिम विद यू। श्योर ही इज माय सीनियर ही इज लाइक अ सीनियर फिगर फॉर मी बट ठीक ओके सही नहीं हम तो अपने पीएम के साथ ही जा रहे हैं अपने वजीर आजम के साथ दिलों के वजीर आजम के साथ। ये पीएम है ना ये पीएम से ज्यादा बात की ना डीएम में आ जाएगा। सॉरी क्या समझ नहीं आया आप कुछ गलत आवाज नहीं आ रहा उनको भी आपकी आवाज। और ऑडियंस में से मैंने पीएम का पीएन नहीं कहा। अच्छा आप वसीम भाई यार आप वसीम भाई अच्छा अब ये कि इन्होंने लॉक कर दिया है कि इनका जवाब सही है। ऑडियंस में से जिनके ख्याल में इनका जवाब सही वो तालियां बजाएंगे और जिनके ख्याल में इनका जवाब सही वो तालियां। अब ये देख लें भाई 5 सेकंड देता हूं अगर आपने अपना फैसला चेंज करना है तो आवाम की आवाज सुन ली आपने 5 वजीर आजम चेंज कर दे ये तो काश हो जाए। क्या है सीन वही लॉक है ठीक है। तो आवाम का ख्याल है कि आदि बे का जवाब सही है और मरियम का ख्याल है कि शहबाज साहब ठीक है। मरियम शुक्रिया कि शहबाज वसीम भाई मेरी जिंदगी खुली किताब है। सर एक मिनट मुझे आप प्रोग्राम तो आगे बढ़ाना था आप अपना दुख लेके बैठ जाते हैं बस खुशी है आप तशरीफ रखिए सर आप पानी वाले ठीक। अच्छा भाई दिखाएं कि अलम रसीदा फिर हम बता दें शेर का बैकग्राउंड क्या है। अलम रसीदा यानी कि गम का मारा रंज का मारा यानी कि मियां साहब का जवाब मरियम बीवी का जवाब तालियां बजा दें इनके लिए यार आप लोगों का जवाब गलत हुआ यार। Which was actually very obvious as well. इसमें बहुत कॉमन सेंस की बात थी ये भाई जब वो सारे शेर में कह रहे हैं कि जिगर दरीदा हूं कि मेरा दरीदा यानी फटा हुआ मेरा मेरा जैसे जिगर फटा हुआ है चाके जिगर की बात सुनो। हम कहते हैं ना चाक चाक गिरेबान होना जिसका गिरेबान फटा हुआ जिसका जिगर फटा हुआ हो तो चाके जिगर एक बहुत ही मुसीबत और मायूस आदमी की बात सुनो लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ गम में हूँ फिर भी मैं बात कर रहा हूँ उम्मीद की उम्मीद सहर की बात सुनो। सहर ये सुबह वाला जो सहर होता है वो जादू वाला होता है और जो सहर होता है वो सुबह तो कह रहे हैं कि एक नई सुबह की एक उम्मीद की सुबह की बात सुनो। और अगले शेर में वो कहते हैं कि अलम रसीदा हूँ यानी कि मैं हाइट पे हूँ गम की मुसीबत की दामाने तर की बात सुनो। आप ऐसे क्यों मना रहे मैं कैमरे की तरफ देख के बताया था दामाने तर की बात सुनो यानी कि मेरा जो दामन है जो किसी भी लिबास का निचला हिस्सा होता है उसको हम दामन कहते हैं चाक दामाने तर की बात सुनो यानी मेरा दामन तर हो गया गीला हो गया यानी कि मैं इतना रोया हूँ कि दामाने तर की बात सुनो लेकिन मैं बात उम्मीद की कर रहा हूँ उम्मीद सहर की बात सुनो। शी वॉज मेकिंग ऑल द सेंस एंड यू आर रॉन्ग एंड गेट आउट ऑफ दिस। वसीम भाई कह रहा हूँ भाई उर्दू के टीचर लगे यार आपको माशाल्लाह इतना आता है आप जाके मैट्रिक के बच्चों को ट्यूशन दो यार। शेर तो फारसी में भाई। अच्छा एक और मैं आपको एक किसी का आगे का वो सुनाऊं अगर थोड़ा सा पार्ट आप लोग को फील होगा कि ये वाला पीछे का पार्ट नहीं आता तो आगे का कैसे रहने पीछे वाला वैसे भी मैं कोई सुनता नहीं है बताएं। तो इसका अगला पार्ट है कि दिल कहाँ है दिल सोरा क्या दिल कहाँ है दिल सोरा लकड़ी की काटी काटी में घोड़ा घोड़े की आज ना इनका दिन नहीं बुरा
मरियम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं हम तीसरी गेंद की तरफ। चले यार, तीसरी गेंद पे एक शेर आया कॉमन भाई, बस कॉमन सेंस में इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस तीसरे राउंड का नाम ही कॉमन सेंस है। पहला सवाल ये दिखाए भाई, और मरियम आप चाहें तो मशवरा ले सकती हैं किसी से भी। क्या सवाल है पहला? कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती? जी पानी पी रहे जी और फिर मर जाती, मर जाती है लाश। लाश लाश तो मरी भी होती है। क्या हो गया लाश तो मर? मेरी पुप्पो, मैंने मेरी पुप्पो ने बताया था पूरा। अच्छा, सुने तो पूरी बात। अपने पॉजेस ठीक करें। सॉरी सॉरी, मेरी पुप्पो ने बताया था पानी। चल मैं इसको यू कर लूं, यानी कि आप पानी पी रही हैं तो वो चीज मरते जा रही है, और आपने ज्यादा प्यास प्यास क्या आपके जवाब ठीक है? अनियन अनियन मरी प्यास नहीं, आपको मसला हो रहा है, दिखाना पड़ेगा डॉक्टर। प्यास प्यास प्यास, ये लो वो कह रही है कौन सी चीज है पानी पीते मर जाती है? दिखाएं इसका सही जवाब क्या जो मरियम ने दिया, वो ये प्यास। जो हुक्मरानों की नहीं मर रही वो प्यास, दौलत की हाँ एग्जैक्टली हवस की, हवस वो नहीं, लालच की हवस। क्या होता है मतलब ये सब साथ में जाओ, साथ में नहीं सर, मैं आई एम नॉट एग्रीइंग विद हर, मैं खाली हेल्प कर रहा हूँ। अब हम कोई बात करते हैं तो बुरी लगती है, साथ भी खड़े हो ना, उनको गलत नहीं कर सकते आप। हमसे ये मुझे सबके लिए बोलनी ये बात, अक्सर लोगों के लिए कह रही है ना, ऑल ऑफ देम ना, अक्सर हुक्मरानों के लिए कह रही है। सबकी अलग अलग प्यास होगी ना, किसी की शोहरत की, किसी की सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्यास। इससे ज्यादा डिटेल में ना जाएं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल दिखा दे, अरे बस भाई आप पानी पीते। कौन सा लफ्ज है जो जब कोई बंदा बोले तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म? क्या मतलब? आप नहीं भी बोलेंगे तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा आपको देख के। जनरली बताया, तो गुस्सा शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे? कौन सा से बंदा बोले तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म? मरियम कह रही है सॉरी। क्या मरियम का जवाब सही है आप लोगों के ख्याल में? सही है, दिखाए भाई क्या है जवाब। बिल्कुल सही है जवाब यार, क्या बात, आपने आज इम्प्रेस कर दिया हमें। पहले पिछली दफा नहीं किया था, भूल गए थे। आपको पता नहीं ना, वो वकील भी हैं। हाँ ये बात सही, ठीक बात, वकील भी हैं। हाँ और मैं तो यार आप आप तो जज हैं। कौन हुआ यार? यार आखिरी सवाल दिखाएं यार। हाँ, लाल पत्थर हाँ नीले समंदर हाँ में फेंको, फेंका क्या होगा? पटा पानी उछलेगा, कारवेड है। लाल समंदर को लाल समंदर, लाल पत्थर को नीले लाल समंदर में फेंके तो क्या होगा? गीला हो जाएगा पत्थर, पत्थर गीला हो जाएगा, पानी उछलेगा, आई गेस पानी उछलेगा। नो, स्टोन विल गेट वेट, पत्थर गीला हो जाएगा, पत्थर गीला हो जाएगा। लाल पत्थर नीले समंदर में फेंकेंगे तो पत्थर क्या हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? गीला हो जाएगा पत्थर, कैसा हो जाएगा? गीला हो जाएगा ऐसे। यार आपको लगता है हम इस तरह का सवाल बनाएंगे? लगता तो यही है, डूब जाएगा या गीला हो जाएगा। आप एक्चुअली थॉट कि हम इस तरह के जवाब देंगे, पत्थर क्या हो जाएगा, पत्थर गीला हो यार, मरियम प्लीज यार, पत्थर कैसा हो जाएगा? वो गीला हो जाएगा। अच्छा गीला नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हां मुंह धो के आ जाएगा वापस पानी में, तो मुंह धोएगा तो गीला तो होगा ना यार भाई, तौलिया भी है उसके पास। क्या क्या जवाब लॉक करूं मैं भाई? अगर लाल पत्थर नीले समंदर में फेंके तो क्या होगा? एक डूब जाएगा वो, वो कैसा हो जाएगा? लिखा है वो कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, गीला हो जाएगा, और क्या होगा भाई? मेरा पत्थर गीला हो रहा है। मरियम साहब को एक्चुअली लगता है कि हम ये इतना बड़ा यहाँ शो लेके बैठे हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट्स को लेके बैठे हैं, इतने दो फारिग लोगों को लेके बैठे हैं यहाँ, और इसलिए लेके बैठे हैं कि पत्थर क्या हो जाएगा? पत्थर गीला हो जाएगा। अगर उनको लग रहा है कि हम ये मजाक करने यहाँ बैठे, पहले तो सही जवाब दिखाएं कि क्या है भाई, पत्थर क्या? गीला। भाई वाह, वसीम बदामी को ये लग रहा है कि एयरवाइन उसने करोड़ों रुपया लगाया, उसको तो लाहौर से बुलाए, हम मजदूर लोगों को बुलाए, तो काम की बात करेगा। ले 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 वसीम भाई, बात ये इस तरह जब बारिश आती है तो पानी आता है जी, इस तरह जब पत्थर पानी में आता है तो गीला होता है, तो गीला ही होगा ना, मैं क्या करूं? आपको ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद इस्लामाबाद और मुल्तान का कल मैच है। अब तक इस्लामाबाद और मुल्तान ने बतौर मजमुई पीएसएल में 13 मैचेस खेले हैं, 7 मुल्तान जीता है, 6 इस्लामाबाद जीता है,
और इस PSL में इस्लामाबाद और मुल्तान दोनों ने एक एक मैच खेला है और जीता है। अब कल क्या होगा इसकी प्रेडिक्शन लेते हैं। बासित भाई, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान 7-7 बराबर। क्या मतलब है? इस्लामाबाद इस्लामाबाद। अच्छा ठीक है। हाँ जी इस्लामाबाद इस्लामाबाद। हाँ जी मरियम। I don't have much idea, but I guess इस्लामाबाद इस्लामाबाद। यहाँ इस पूरी साइड को लगता है कि इस्लामाबाद जीतेगा। आपके ख्याल में? मुल्तान। मुल्तान भाई वो उन्होंने कोई 500 साल क्रिकेट खेली है, उनका 600 साल का तजुर्बा है, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद। आप कैसे मुल्तान कह रहे हैं? यार उन्होंने अपने लिए खेली है ना, मेरे लिए थोड़ी खेली है। मैं अपना बताऊंगा जो मेरा एक्सपोजर है। ठीक सही। नहीं यार बात कैसे कर रहे हो? नहीं मैं बात वो नहीं है, मैं एक रेफरेंस। हमारा भी तजुर्बा है यार डीजे बाबू। जी सर आप बता दो सर। इंशाल्लाह इस्लामाबाद। अच्छा तो सिर्फ एक समझ गया, जाने की तैयारी नहीं बोल रहा। तीन हजार सिर्फ एक आदमी है जो डटा रहा जी, जो बिका नहीं जी, जी जो झुका नहीं जी, जी और जिसने मुल्तान कह दिया जी, जी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब मिलके उसका रिकॉर्ड लगाएंगे। तब तक के लिए मरियम थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और जाने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा जी। जाए अल्लाह हाफिज़। छोटी सी बात थी यार क्या है। अल्लाह हाफिज़ नासिर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।